घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार यानी 28 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए। बाजार खुलने के थोड़ी देर बाद ही सेंसेक्स 60,000 अंक के पार निकल गया, लेकिन कारोबार के अंत में ये इस लेवल से नीचे बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो और ONGC के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 60,000 का स्तर पार करने के बाद मुनाफा वसूली की वजह से नीचे आ गया। कारोबार के अंत में ये 203 अंक यानी 0.34% की तेजी के साथ 59,959 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 कारोबार के अंत में करीब 0.28% यानी 49 अंक की मजबूती के साथ 17,786 पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 3.09% की मजबूती देखने को मिली। ONGC का शेयर 1.48% ऊपर चल रहा था। REC के शेयरों में 3.83% से ज्यादा उछाल दिखा। बजाज ऑटो के शेयर 1.43% चढ़कर बंद हुए। हालांकि टाटा केमिकल के शेयरों में 4.73% की गिरावट आई। SBI कार्ड 5.44% टूट गया। जिंदल स्टील के शेयरों में भी 3.18% की बड़ी गिरावट दिखी। चलिए अब बताते हैं कि किस वजह से बाजार में तेजी आई है। अब तक आए कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। खासकर बैंकों का प्रदर्शन सितंबर तिमाही में शानदार रहा है। एक तरफ जहां उनका मुनाफा बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ उनके NPA में कमी आई है। TCS, इंफोसिस, HCL टेक जैसी दिग्गज IT कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे हैं। उनके बिजनेस पर भी अमेरिका और यूरोप में मंदी का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। उधर अमेरिका में टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रदर्शन में कमजोरी देखने को मिली है, इस वजह से उनके शेयरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 83 का लेवल पार कर गया था, उसके बाद इसमें मजबूती देखने को मिली है। 28 अक्टूबर को ये डॉलर के मुकाबले मजबूत खुला। डॉलर इंडेक्स कई दशकों की ऊंचाई पर पहुंच गया है, इस वजह से दुनिया की प्रमुख करेंसी में डॉलर के मुकाबले कमजोरी आई है। हालांकि रुपया दूसरी करेंसी के मुकाबले कम गिरा है। RBI इस साल मई से अब तक रेपो रेट 1.90% बढ़ा चुका है। माना जा रहा है कि आगे उसके रुख में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। इस साल की आखिरी तक इंटरेस्ट रेट में आखिरी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये मार्केट के लिए राहत की खबर है। RBI अगले साल इन्फ्लेशन के 6% पर आ जाने की उम्मीद जता चुका है। ये उसकी टारगेट रेंज के करीब होगा। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव देखने को मिल रहा है। इधर इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पॉजिटिव बनी हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया भर में इंडियन इकोनॉमी उम्मीद की किरण जैसी है। इस साल और अगले साल इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा रहेगी। इसकी वजह यह है कि इंडिया में इकोनॉमी की बुनियादी स्थिति अच्छी है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मई कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।